हेलो, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोगों का प्यार, समर्थन, लाइक्स, सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से मिल रहा है और इसीलिए मैं इनकरेज हो रहा हूँ कि हाँ, आप लोगों के लिए कुछ काम का वीडियो लाया जाए। तो ये वीडियो है कि आप तुक्का कैसे लगाएंगे बिना मतलब के बकवास करने से। पहले, सबसे पहले भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और उसके बाद बातचीत हम लोग करते हैं। हाँ, कर लिया? वही वही नीचे। हाँ, और मेरा और सब वीडियो और अन्य वीडियो जो है वो आई बटन दिख रहा है वो होगा, और वीडियो जब खत्म होगा उसके बाद होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें है कि तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का मतलब अंदाजा है ना। हम लोग OMR शीट में ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा टेंशन है बच्चों के लिए भैया। 5-5 हज़ार ऑब्जेक्टिव से याद करते हैं बस। चलो, नंबर कितना आता है? 35 में 20, 15, किसी किसी का 8। सुन के भी बुरा लगता है कि लड़के मेहनत बहुत कर रहे हैं पर नंबर नहीं आ पा रहा है। तो चलिए, कुछ ना कुछ तो कमी होगी, कुछ तो कमी होगी, आज उसे दूर कर दिया जाए। जरूर देखिएगा। देखिए, ये OMR सीट का, ये हम लोग करते क्या है, या तो क्रॉस लगाते, ये सब हम लोग नहीं करने जा रहे कि कैसे भरे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। आज का टॉपिक है कि OMR सीट में तुक्का कैसे लगाए। तुक्का मतलब अंदाजा। आपको अगर नहीं आ रहा है या आंसर क्या होगा तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे कि वो सही होगा, है ना। चलिए, पूरी तरीके से एकदम एनालिसिस करने के बाद आप तक पहुँचे हम, देखा जाए। देखिए, ये एक आंसर शीट है 35 का, जिसमें 20 और 30 का आंसर नहीं दिया है, जिसका मतलब इसका आंसर कंफ्यूज कर रहा होगा। दो दो ऑप्शन होगा जिसका नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको दो दो आंसर लगता है तो अटेम्प्ट कीजिएगा जो लगता है आपको। बिना अटेम्प्ट किए वाले पे विवादित प्रश्न के उत्तर पे नंबर नहीं मिलते, इसलिए जरूर कोशिश जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी लगा के आइएगा उस पर। चलिए, जैसे तुक्का लगाना है, तुक्का लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता क्या है कि किसी एक ऑप्शन को पकड़ लीजिए आप। कोई एक ऑप्शन, अगर मान लीजिए हम ए पकड़े हैं तो केवल ए ही लगाएंगे। चलिए, मान लीजिए 1 से 10 तक की बात करते हैं। ए की बात कितने ए हैं? तो 2। देखिए, रिपीट भी हो रहा है। ये नहीं कि ए बी सी डी, चलो ना भैया पहला वाला में ए लगा दिए, बी लगा दिए, सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, रिपीट कर दिए। बिल्कुल गलत। अगर आपको 10 का 10 नहीं आ रहा, आप एक बार मन में बैठा लीजिए कि हमको इस चीज़ का आंसर नहीं आ रहा। आजकल एग्जाम में चोरी तो चलती नहीं है, बिल्कुल 9 के बराबर। इतना ज़्यादा प्रशासन टाइट हो चुका है। तो करना क्या है आपको कि जो नहीं आ रहा है समय नहीं बर्बाद कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो आंसर शीट होता है आपसे एग्जाम सब्जेक्टिव के एग्जाम से ठीक पहले ले लिया जाता है। इसलिए जो नहीं आ रहा है क्या कीजिए, गोल लगाइए, सीधे गोला बनाइए। किसमें? कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए। मेरा फेवरेट तो सी होता है, बाद बाकी आप लोग जानिए। ठीक है, देखिए हम सी में मान लीजिए लगाए, तो देखिए कितना सही हो रहा है। सी में 3 3 सी है, 1 4 सी है, 10 में दिख रहा है। अगर इसी में अगर हम लोग बात करें बी की, कितने बी हैं? 3 बी हैं। तो यार 4 और 3 आ रहा, क्या दिक्कत है ना। कम से कम कोई एक ऑप्शन को पकड़िए और उसी को लगाइए टिक। जिसका नहीं आ रहा है मान लीजिए बी, बस नहीं आ रहा है भैया हमको, नहीं आता, हम बी लगाएंगे। कम से कम 20, अगर चलिए एक 35 क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाए तो देखिए तो कितने ए हो रहे हैं। देखिए, 2 3 4 5 6 7 7, 7 बी हो जा रहा है। तो ऐसे ही अंदाज में मेरा 7 आ सकता है अगर ऐसे देखा जाए, बी का केवल किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी 10 है। सी का देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। डी का देखा जाए, 1 2 3 3 हो गए, 4 5 6 7 7। तो इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं कोई काम तो समझ जाइए कि कितना ज़्यादा आसान हो सकता है आप लोगों के लिए। इसलिए किसी एक का आंसर लगाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या कमी रह गई। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसको सुधारा जा सके। तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपने आप को अच्छे से रखिए, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। और हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।